में है, कमजोर पड़ जाएगा। आप भी फायदे से लगन पूर्ति करते हैं, इसके साथ जुड़कर चलना है। जवाब देना धन्यवाद करता असि कहने हर आदमी और ज्यादा से आम आदमी पार्टी बिंदू बालाजी ने ज्वाइन कर ली है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, आवाज नहीं आ रही है तालियों की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, ओम प्रकाश खजूरिया जी, ओम प्रकाश खजूरिया जी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। इसके साथ ही नंबर 3 आलू जी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, ओम प्रकाश खजूरिया जी, ओम प्रकाश खजूरिया जी, परमा जी, हीरालाल परमा जी, गुरदौर साहब, गुरदौर साहब, सरपंच प्रदीप सिंह जी, सरपंच बिंदू वाला जी, हीरालाल वर्मा जी, आम आदमी पार्टी नंबर 3 के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जहां लखनपुर के अंदर जो सरपंच बिंदू बाला और एक्स सरपंच बोधराज जी ने पार्टी ज्वाइन करी है, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का जो गेटवे ऑफ कहा जाता है लखनपुर, वहां से जो एक मुहिम शुरू हुई है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी एक बदलाव लेके आएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक वैकल्पिक, आम जनता को एक विकल्प देने जा रही है, वैकल्पिक राजनीति देने जा रही है। और उसकी शुरुआत काफ़ी अर्सा पहले से हो चुकी थी। और इस समय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां और आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ के साथ प्रभावित होकर लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है। क्या देखिए, लगातार जनाधार बन रहा है, भाजपा के हाथ पांव भी फूल रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहाँ है जम्मू कश्मीर। देखिए, आम आदमी पार्टी की लोग आप देख रहे हो, क्योंकि लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। जो एंटी पीपल पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी और डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज की जो रही हैं, उनसे लोग फेडअप हो चुके हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगा जो गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो है, भारत में बिक रहा है। आज पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप, खाने वाली वस्तुओं के दाम देख लीजिए आप, महंगाई चरम सीमा पे है। और इसलिए लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि पिछले 76 सालों से इन राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से मानव का शोषण किया है, भारतीय जनता का शोषण किया है। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं हमारे देश के अंदर, उनका बेसिकली उनका दुरुपयोग हो रहा है। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एक साइड पर रख के ये सरकार चल रही है। हालांकि हमारा सिस्टम जो है पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पर देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से कोई भी बिल जनता के हित का जो बिल होता है वो बहस के माध्यम से नहीं लाया जा रहा है। तो इसलिए इस समय सबसे बड़ा जो हमला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके ऊपर हमला हो रहा है। और जनता जो समझ रही है, आज जो एजुकेटेड जनता है, एजुकेटेड यूथ हैं, वो समझ चुके हैं कि इस समय अगर व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है सचमुच में, वो आम आदमी पार्टी ही ला सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कितना लक्ष्य रखा गया है, भाजपा ने भी 50+ का दावा किया, कि आपकी तरफ से कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए? ये जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि जनता ने फैसला ले लिया है कि दोहराया जाएगा, जहाँ दिल्ली और पंजाब दोहराया जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी। ये सीधा सा संदेश है, जनता ने फैसला ले लिया है कि जहाँ भी क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों को जहाँ से भगाओ, चाहे वो कश्मीर वेस्ट हो या जम्मू वेस्ट हैं। और एक राष्ट्रवादी जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है वो पॉलिटिकल पार्टी, जो एजुकेशन, हेल्थ, रोड, रोजगार की बात करती है, वो उस पार्टी को सत्ता से हीन करना है। आतंकियों ने फतवा जारी कर दिया कि वहाँ से कश्मीरी पंडित और लोकल जो है यहाँ से चले जाए, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। जो बड़े बड़े दावे करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते, बड़े बड़े दावे करते थे, 2014 के बाद लगातार इस तरीके के हमले हो रहे हैं।
तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो है ही है, पर लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करना केंद्र सरकार का है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो रिमोट के जरिए सरकार चलाई जा रही है, केंद्र सरकार जो रिमोट के जरिए जो सरकार चल रही है, उसका फेलियर है, पूरे का पूरा सरकार का फेलियर है। और आम आदमी पार्टी संवेदना व्यक्त करती है उन लोगों के साथ जिनकी निर्मम हत्या हुई है कश्मीर के अंदर। क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे दावे और मुगले वादों से जम्मू कश्मीर की आवाम, खास करके कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जान को खतरे में डाल दिया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा पोलराइजेशन की नीति, उनकी राजनीति रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति रही है। वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती थी, जम्मू और कश्मीर में बांटना चाहती थी, जम्मू खित्ते वर्सेस कश्मीर खित्ते में बांटना चाहती थी। आज लोगों के सामने इनका असली चेहरा सामने आ गया है। देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं आज ये जो सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको मैं एक पैगाम दे देता हूँ कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जनता ने मन बना लिया है, जनता उभर के बाहर आ रही है और हमें संभालना भी मुश्किल हो रहेगी। इतनी तादाद में जनता जम्मू कश्मीर में आ रही है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना कि हमने 50+ सीटें लेनी है, तो 40 वो हार चुकी हैं, इसका मतलब हमने 88 सीट रखी हैं। 90 से 88 सीट का हम दावा ठोकेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार में। आज हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी विचारधारा है, उस बात पर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उनकी जो आम आदमी पार्टी जो नीतियाँ हैं इस प्रकार हैं, क्योंकि 3 बार दिल्ली में केजरीवाल साहब जीते हैं, जो उनके काम थे, उनकी विचारधारा थी, उनकी सोच थी, पूरी हिंदुस्तान में गुजर रही है। देखिए, बात करें स्कूल की, बात करें मेडिकल की, आम आदमी पार्टी जहाँ आम आदमी पार्टी की नीति है वो ही जनता को उपलब्ध करवा सकती है। जो अभी जो मौजूदा सरकार है, जो उनकी नीति है, आज आम आदमी परेशान है। आज जो मौजूदा सरकार है ये विफल हो चुकी है। जो आम जनता की जो सुविधा है वो आज आम जनता परेशान है। आप बात करें सरकार की, दुनिया को पता है कि आज सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज देखिए, जम्मू व कश्मीर में आज आम आदमी पार्टी का जो प्रचंड लहर चल रही है, आपने पीछे देखा है, पंजाब में 92 सीटें जीती है। उसके जो पहले दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब रह चुके हैं, जो उनके काम काज हैं, जो उनकी नीतियां ही आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उनकी ये नीतियां गूंज रही हैं, घर घर में नीतियां गूंज रही हैं। हम चाहते हैं हम पूरे देश में, खासकर जम्मू व कश्मीर में और खासकर कठुआ के लोगों से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आम आदमी को वोट डालें, कि जो सुविधा है आम आदमी पार्टी और कोई नहीं दे सकता। देखिए आज कितनी महंगाई है, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सरसों के तेल की बात करें। हाँ, देखिए, जो हमारी पंचायत महाम है, संन्यास पंच ने और आम लोगों ने, आम नागरिक ने आम आदमी पार्टी का जो दामन थामा है, मैं कहता हूँ बहुत दिन दूर नहीं है कि पूरा जम्मू व कश्मीर, पूरा कठुआ, पूरा एक दिन प्रचंड लहर से और अपनी सरकार बनाएगा। मैं पंचायत से हूँ, मैं सरपंच हूँ महापंचायत से, और मेरे साथ पंचों ने भी आज आम पार्टी ज्वाइन की है। आम पार्टी ज्वाइन करने का कारण यह है कि उसकी नीतियाँ, दूरदर्शिता देखते हुए हमने ये पार्टी ज्वाइन की है। और मौजूदा सरकार जो इसकी आज जो तानाशाही चल रही है, उससे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और लोग अब इस जे अपनी जम्मू कश्मीर में बदलाव लाना चाहते हैं। और उनके साथ हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया जुड़े और हम भी उनके साथ बदलाव ला सकें, और आने वाले समय में हम जम्मू कश्मीर में आम पार्टी का CM लेकर आए।